जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने के दौरान आपको उस कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसे मैंने बैटरी से यूँ कनेक्ट कर दिया और बैटरी से यहाँ कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो है वो चार्ज स्टोर होता चला जा रहा है। जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, इसमें इस कंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाला चार्ज क्यू जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और इस कंडक्टर पर जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क इस सूरत में किया जा रहा है कि वर्क इसमें जो है चार्ज को स्टोर कर रहा है। जितना आप चार्ज इसमें स्टोर करते चले जाएंगे उतना ही इस पर जो वर्क है वो बढ़ता चले जाएगा। जैसे जैसे आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कंडक्टर में जो चार्ज है वो जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्ज आएगा वो चार्ज डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी का वोल्टेज कितना है। जितना वोल्टेज आप उसे ज़्यादा देंगे उतना ही आपका कंडक्टर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से हमारे पास जमा शुदा चार्ज जो है वो घटता चला जा रहा है। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली रिलेशन आ जाता है। अगर मैं डायरेक्टली के सिंबल को यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को यहाँ से हटाऊँ तो मुझे Q इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे सम कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और देन V आ जाएगा जिस तरह से अभी तक हम करते आ रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह जो कांस्टेंट लगाना चाहूँ, अगर वो मैं कांस्टेंट ये लगा दूँ C, तो C को हम लोग कहते हैं कि जो C है इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के जो मिकदार का इनसार है वो कैपेसिटेंस पे होता है। जितनी किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना ही उसमें जमा शुदा चार्ज भी ज़्यादा होगा। असल में जो हमारा कैपेसिटेंस है ये हमारे पास एक जो है कांस्टेंट है, जिसे हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास आपने बैटरी से जो है वो एक वोल्ट दिया है इस कंडक्टर को, तो इस पर जो चार्ज है अगर वो भी एक कूलम ही चार्ज इसमें स्टोर हो जाए तो इस सिचुएशन में इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस इसकी 1 फैरड आ जाएगी। फैरड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस है वो असल में हमें ये बताती है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर होने का इनसार है वो असल में होता ही कैपेसिटेंस पे है। जितना किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टोर हो सकेगा। और जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे आपके कंडक्टर के अंदर स्टोर होता हुआ चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि उसके ऊपर जो आप वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को स्टोर करने की सूरत में वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बेसिकली जब आप एक कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस पूरे के ऊपर पूरे कंडक्टर के ऊपर जो है वो सिमिलर चार्ज आ जाता है। लेट्स से कि मैंने इसे पॉजिटिवली चार्ज किया, इस कंडक्टर को किसी तरीके से मैंने बैटरी से पॉजिटिव चार्ज कर लिया है, इस पूरे कंडक्टर के ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस आपस में फैल जाते हैं और इनके दरमियान अब यहाँ पर जो है रिपल्शन की फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो है हमेशा रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से अगर ये चार्जेस थोड़े से हिस्से पर भी अगर आए होंगे तो रिपल्शन की वजह से पूरे के पूरे कंडक्टर पर फैल जाते हैं। जब ये पूरे कंडक्टर के ऊपर रिपल्शन की वजह से फैल जाते हैं जो कि सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये किसी एक पॉइंट से लीक आउट करना शुरू कर देते हैं। यानी ये पूरी सरफेस पे फैल तो जाते हैं और फिर वहाँ से लीक आउट करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे लिए कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए यानी चार्जेस को ज़ाया होने से या लीक आउट होने से बचाने के लिए हम लोग एक डिवाइस बना लेते हैं जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स पर कंसिस्ट होता है। इस तरीके से ये दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एक ये पैरेलल प्लेट होती है हमारे पास और थोड़े ही फासले पर दूसरी पैरेलल प्लेट इस तरीके से लगा दी जाती है। इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। एक जो प्लेट है हमारी पैरेलल प्लेट उसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब यह इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं इस सिचुएशन में बना लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि किस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इसे थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि बाहर वाली सरफेस भी नज़र आए और अंदर वाली सरफेस भी इस तरीके से। अब ये सही है, काफ़ी बेहतर है।
अब जब मैंने इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है तो इसकी जो बाहर वाली साइड है इस पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट की जो जो अंदर वाली सरफेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने जब बैटरी के इस टर्मिनल इस जो है हमारी प्लेट है पैरेलल प्लेट इसे हम लोगों ने जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास अपेयर हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस सरफेस के इस जो प्लेट के अंदर वाली सरफेस है उस पर प्लस क्यू चार्ज आना शुरू हो जाएगा और अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएंगी जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हैं कि वो हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। अगर मैं इस तरह से बताऊँ तो ये पॉजिटिव से टूवर्ड्स नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी आ जाएगी जो कि ये जाहिर करती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन भी होती है और अगर हम लोगों को किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो भी बताना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। इस तरीके से जो है वो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की जाती है। कोई भी दो प्लेट ले ली जाती है उन्हें इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस तरीके से उन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो है वो चार्ज स्टोर रह जाता है, लीक आउट नहीं होता क्योंकि अब नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन है ना तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते और सरफेस के ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर से लीकआउट भी नहीं कर पाते। अक्सर कैपेसिटर के दरमियान जो है यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है डाई इलेक्ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं जो कि समटाइम एयर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी है। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें जिन्हें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ चुके हैं और चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बढ़ता चला जा रहा है, यानी जैसे आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो स्टोर होना भी ज़्यादा जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी यहाँ पर भी इसका रिलेशनशिप कुछ यूँ ही बनेगा कि हमारा जो चार्ज है जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी हुआ। तो ये जो सी है यही तो हमारी कैपेसिटेंस है जो बताती है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है या उसका कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर होने की इजाज़त दे सकता है। तो जो कैपेसिटेंस होती है वो बेसिकली कैपेसिटर के अंदर ही आती है। किसी कंडक्टर की एक उसकी जो है वो इस्तेतात होती है कि कितना उसके अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है स्टोर किया जा सकता है। कैपेसिटर की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इसकी बहुत सी मिसालें हैं और इसकी इकसाम भी हैं जैसे कि ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं। ये हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर है, ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल कैपेसिटर। इसी तरह से ये हमारे पास स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये इसकी तीन टाइप हैं। आगे इसके भी बहुत सी टाइप है। जैसे कि अगर मैं फिक्स कैपेसिटर को बताऊं तो फिक्स कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर दो एल्युमिनियम की प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इस तरह से रोल हुआ होता है और यहाँ पर ये जो है ये एल्युमिनियम की प्लेट होती है, एल्युमिनियम की प्लेट यूज़ की जाती है और इन दो प्लेट्स के अंदर यहाँ पर ऑयल लगा हुआ एक पेपर लगा दिया जाता है और इन्हें बहुत ही आपस में घुमा कर इस तरह से सिलेंडर की शेप बना दी जाती है। यानी कि पेपर को बतौर हम लोग जो है वो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और इस पेपर को हम लोग ग्रीस या ऑयल लगाकर इस्तेमाल करते हैं दो एल्युमिनियम की प्लेट्स के दौरान और ये प्लेट्स जो है आपस में फिक्स होती हैं, ये मूव नहीं कर सकती और इन्हें हम एक सिलेंडर की तरह रोल करके जैसे हम लोग टिश्यू को अक्सर रोल करते हैं इस तरह से हम रोल करके एक सिलेंडर बना लेते हैं जिसकी दो वायर्स निकाल देते हैं और इस तरीके से इन्हें हम लोग मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एज अ कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कैपेसिटर की टाइप है और कैपेसिटर में दो प्लेट्स का होना मस्ट है। यहाँ पर भी हम दो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि एल्युमिनियम की होती है और उसके दरमियान जो एक इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जो कि एक पेपर होता है, वो ऑयल लगा होता है या ग्रीस लगा होता है। तो इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन करके इसे इस शेप में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिक्स कैपेसिटर की भी दो आगे से एग्जांपल होती हैं। एक इसमें पेपर कैपेसिटर आ जाता है और जो दूसरा है वो माइका कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर इसकी पहली जो है सब टाइप है और दूसरा जो है वो माइका कैपेसिटर आ जाता है।
ये दोनों कैपेसिटर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं जो कि फिक्स कैपेसिटर के सब एग्जांपल में आ जाते हैं। इसके अलावा जो वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेट्स के दो सेट होते हैं और दो सेट आपस में इस तरह से होते हैं कि जब एक सेट मूव कर रहा होता है तो दूसरा सेट जो है वो स्टेबल हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से इसकी प्लेट्स होती हैं, जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कुछ प्लेट इस तरीके की होंगी, इस तरीके की प्लेट आती चली जाएंगी इस तरीके से, इसके नीचे भी एक प्लेट होगी सिमिलरली इस तरीके से, और कुछ प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी। यानी कि एक प्लेट इस रुख को है और एक प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। जब ये वाली प्लेट्स मूव करती हैं उस वक्त ये स्टेबल हो जाती हैं, और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं उस वक्त ये स्टेबल हो जाती हैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम रखा जाता है। और इस सिचुएशन में यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो एयर होती है, यानी एयर को हम लोग जो है एज अ डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक हम इसलिए डालते हैं ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया जा सके। ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हमारे फैंस में भी अक्सर कैपेसिटर लगे होते हैं, हमारी गाड़ियों वगैरह डिफरेंट चीज़ों में हम लोग जो है कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को ज़ाया नहीं होने देता। जब तक कि किसी चीज़ में लगा है ये चार्ज देता रहता है, और अगर उस चीज़ से निकाल दिया जाए तो ये चार्ज को जो है वो ज़ाया नहीं होने देता बल्कि अपने अंदर रिस्टोर कर लेता है, ताकि दोबारा जब इस कैपेसिटर को किसी डिवाइस के अंदर लगाया जाए तो ये दोबारा उस डिवाइस को जो है वो चार्ज फ्राहम कर सके, ताकि वो वर्क कर सके। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं जिन्हें हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये दो वायर्स इन्हें हम किसी भी सर्किट में लगा दें तो इसे हम लोग एज अ कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर को हम लोग किसी भी सर्किट में जब लगा देते हैं तब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कैपेसिटर का जो पर्पस है वो यही होता है कि ये चार्ज को स्टोर रखता है, और अगर इसे उतार भी दिया जाए तो इसके अंदर अगर चार्ज स्टोर है तो वो ज़ाया नहीं होता बल्कि इसके अंदर ही रीस्टोर रहता है, ताकि जब दोबारा इसे किसी सर्किट में लगाया जाए तो ये उस सर्किट को जो है वो चार्ज दे सके। जैसे कि आप लोग फैंस में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट चीज़ों में, रिमोट कार वगैरह, डिफरेंट चीज़ों में आप लोग कैपेसिटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उन चीज़ों को चार्ज देता है जब तक कि उनमें लगा रहता है। और अगर ये मुख्य डिवाइसेस वगैरह में से निकाल दिया जाए तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है, ताकि जब दोबारा इसे उन डिवाइसेस के अंदर लगाया जाए तो ये अपने अंदर स्टोर एनर्जी दोबारा उनको दे सके।